आप सभी का मैं आज की शाम में बहुत बहुत ज़्यादा अभिनंदन करता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले इस जगह के बारे में एक बात कह दूँ कि ये इतनी सांस लेती हुई जगह है और यहाँ जो लोग आते हैं वो इतने ज़िंदा होते हैं कि उनका उनका जो तारुफ है वो ऐसे कराया जाना चाहिए कि यहाँ पे सामने हो सकता है कि संख्या में कम लोग बैठे हों, लेकिन यहाँ बैठा हुआ हर एक शख्स जो है वो अपने आप में एक मुकम्मल किताब है। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप अपने लिए बेहतरीन ताली बजाइए। देखिए, जब स्याह वक्त बहुत रफ्तार से गुजरता है और आंधियों की शक्ल अख्तियार कर लेता है तो बहुत सारे चिराग ऐसे होते हैं जो बुझ जाते हैं, लेकिन कई चिराग और उनका जो हुनर होता है वो ये होता है कि वो बेबहर हो जाते हैं। जैसे शायर आज़ाद हो जाता है, बेबहर हो जाता है, तो कई चिराग अपनी लौ को बेबहर कर देते हैं। और ऐसा ही एक चिराग हमारे बीच में है जिसको आप गौरव सोलंकी के नाम से जानते हैं। और मैं इनके बारे में कह दूं कि दरअसल मैं इन्हें चांद या सूरज नहीं कहता, और उसकी वजह यह है कि ये किसी के उजाले से उजाला लेकर रोशन नहीं है, इनका अपना उजाला है। मैं इन्हें जुगनू कहना चाहता हूं। और मैं दो मिसरे अपने आपकी नजर कर रहा हूं और फिर हम शुरुआत करते हैं इस सिलसिले का कि चांद सूरज के घराने से नहीं है जुगनू, चांद सूरज के घराने से नहीं है जुगनू, अपने दम से चमकते हैं ये चमकने वाले। ये गौरव साहब हैं। गौरव साहब, आपका बेहद स्वागत है। शुक्रिया सुधीर। और जितनी तकलीफों के दरमियान आप यहाँ तक आए हैं तो ये काबिले तारीफ है। जितना बॉलीवुड में संघर्ष होता है ऑलमोस्ट उतना ही यहाँ आने में हो गया। अरे, तो आपने 7-8 बरस को आज की सुबह के 4 बजे से अभी तक में नहीं नहीं ये तो कवियों का तरीका होता है कि बात को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। मैं आपके सफर से शुरुआत करूं और एक तरतीब सा साक्षात्कार करूं, उससे मैं बड़ा बेतरतीब सा हो गया आपसे बात करूंगा सीधा, हम जहां जहां से मेरे जहन में आएगा। बहुत अच्छा, बहुत। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो आर्टिकल 15 है, ये नाम, ये मुझे अपने आप में एक सफर लगता है। क्या था किस्सा, यही था या क्या था? बड़ा दिलचस्प किस्सा था इसका। जब हम लोग इस फिल्म को लिख रहे थे तो इसका नाम था कानपुर देहात। कानपुर देहात के गांव की कहानी थी ये, और लिखते लिखते हमको लगा कि अगर यही नाम रहा तो बाकी लोगों को लगेगा कि कानपुर में ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो ऐसी प्रॉब्लम जो पूरे भारत में है उसको एक जगह पर सीमित क्यों करना। तो फिर हम बहुत सारे टाइटल सोच रहे थे। एक शाम सुधीर मिश्रा जी के यहाँ मैं और अनुभव सिन्हा बैठे थे और हम तरह तरह के टाइटल्स पे विचार कर रहे थे। तो उसी में से निकला कि संविधान की कौन सी धारा, कौन सा एक्ट, कौन सा आर्टिकल है जो जाति के आधार पर भेदभाव की बात करता है या अनटचेबिलिटी की बात करता है। अच्छा, उससे पहले तक आपके दिलो दिमाग में ये टाइटल नहीं था? हमारे दिमाग में ऐसे टाइटल आ रहे थे, संविधान, कानून, जो कि जो डेफिनेटली इस तरह के टाइटल नहीं चाहते थे हम। तो जब ये स्पेसिफिक ये आया तो गूगल सर्च किया एक, तो जल्दबाजी में हम इतने एक्साइटेड थे कि हमको लगा आर्टिकल 14 ये बात करता है। आर्टिकल 14 भी कानून के सामने बराबरी की बात करता है, पर वो इस धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव की बात नहीं करता। तो हमने कहा कि आर्टिकल 14 इस फिल्म का नाम होगा। तो वो जाके जो फाइनल ड्राफ्ट फाइल होती है जिसमें स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, वहाँ रीनेम कर दिया उस फाइल को आर्टिकल 14। तो अगले एक हफ्ते तक फिल्म का नाम आर्टिकल 14 रहा, फिर आर्टिकल 14 रहा। फिर ऐसे ही 7-8 दिन बाद अनुभव को कुछ पढ़ते पढ़ते जहन में आया तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार ये आर्टिकल 14 या आर्टिकल 15 है, 14 बेटर साउंड कर रहा था। तो मुझे थोड़ा दुख हुआ उस टाइम कि 14 का साउंड अच्छा था, पर फिर हमने उसको आर्टिकल 15 कर दिया। फोल्डर का नाम, फाइल का नाम फिर चेंज किया आर्टिकल 15। कई लोगों ने कहा कि ये एकेडमिक सा टाइटल है या उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत लगा कि इससे उत्सुकता बढ़ती है और फिल्म की जो कोर आत्मा है उसको बयान करता है। तो उसके बाद आर्टिकल 15 इस तरह रहा। एक और सवाल जो अमूमन इस फिल्म के बाद
या इसके साथ लगातार चलते रहता वो ये है कि क्या आज भी हम उसी समाज का हिस्सा हैं जहाँ पे एक समुदाय जिसको हम दलित समुदाय या शोषित समुदाय कहते हैं कि वो आज भी अवतार की प्रतीक्षा कर रहा है? क्या वहाँ पे जो दलितों का जो शोषण था या जो उनकी मुश्किलात थी ये या वो जिससे जूझ रहे थे उनका नायक दलित क्यों नहीं हो सकता था जब वहाँ पे निषाद थे, जब वहाँ गौरा थी? बिल्कुल हो सकता था, और मुझे नहीं लगता कि दलित समुदाय किसी नायक की प्रतीक्षा कर रहा है। दलित समुदाय ने अपने नायक बनाए हैं, सड़कों पे आए हैं। ऊना में जो जिस तरह से दलित लड़कों को मारा गया था, उसके बाद से गुजरात में जिस तरह का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, और वो दलितों का अपना प्रोटेस्ट था, उसमें कोई बाहर का नायक नहीं था, और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बना। और यूपी में भी कुछ ऐसे युवा नेता उभर के आए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, रावण जैसे, जो तो दलितों ने, जिग्नेश मेवानी बहुत लोकप्रिय नेता हैं गुजरात में, तो दलितों ने अपने नायक, अपने प्रतिनिधि हर समय समय पर बनाए हैं। भीमराव अंबेडकर कितने बड़े नायक थे। तो मुझे नहीं लगता कि दलितों को बाहर के किसी नायक की ज़रूरत है। और निषाद भी एक नायक है हमारी कहानी में, उसका किरदार छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अयान से कहीं ज़्यादा साहसी है। वो उसका बहुत ज़्यादा कुछ स्टेक पे है, उसके पास वो प्रिविलेज नहीं है, उसके पास सिस्टम की वो सुरक्षा नहीं है जो अयान जैसे लोगों के पास होती है। तो अयान कुछ ऐसी चीज़ें कर पाता है जो निषाद नहीं कर सकता, लेकिन उस पावर के बिना भी निषाद काफ़ी कुछ करता है। तो मुझे लगता है एक और कहानी निषाद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती थी, जिसमें निषाद का रोल ज़्यादा बड़ा होता। और आप उस नज़रिए से किसे उस, हो कहते उस नज़रिए से तो हमारा मेन मकसद था कि जो शहरी युवा वर्ग का एक हिस्सा है जो कहता है कि जातिवाद अब उतना बचा नहीं और इस तरह की बातें जो चलती हैं, तो हम एक प्रिविलेज नायक चाहते थे जिससे आप कनेक्ट कर सको, जिसके अंदर थोड़ा सा इंडिफरेंस है, जिसके अपने जो अपने एक सेफ दायरे में ज़िंदगी बिता के आया है, जिसको लगता है ये तो इतिहास की किताबों में होता है, अखबार के पन्नों में रेप छप की खबर छपती है। तो जब वो घुसता है वहाँ पे, तो बार बार वो ट्रांसफ़र करा के वापस चले जाने की बात कर रहा है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन पे कह रहा है कि कंट्री साइड इंडिया इज़ सो ब्यूटिफुल, तो उसको सिर्फ एक लेयर दिख रही है उसकी। वो कह रहा है कि ये तो बॉलीवुड की 80s की फिल्म के जैसा है। तो ये जो जीवन लोग जी रहे हैं उसे नाटक जैसा लग रहा है या फिक्शन जैसा लग रहा है। तो हमें ऐसा किरदार चाहिए था जो फ्लॉड हो और जिसके अपने प्रिविलेज हों, जिससे आप जुड़ें, और जब उसके अंदर आपको एक हल्की सी संवेदनहीनता दिखती है अयान के किरदार में शुरू में, बिल्कुल, तो जब उसका हार्ट चेंज शुरू होना शुरू होता है, तो हमारी कोशिश थी कि शायद जो लोगों के अंदर वो संवेदनहीनता या इंडिफरेंस है, जो शायद ऊंची जातियों से आते हैं या ज़्यादा शक्तिशाली जो रही हैं समाज में उन जातियों से आते हैं या शहरों से आते हैं, तो उनका ट्रांजिशन अगर अयान के ट्रांजिशन के साथ साथ हो सके तो वो हमारे लिए एक जीत होती। इसलिए अयान को हमने प्रोटैगनिस्ट चुना। जैसा आपने भी कहा कि जो आपका नायक है वो भागना चाहता है इनिशियली कि कहाँ आ गया, फंस गया, उसको लग रहा है कीचड़ में फंस गया हूँ मैं, कि मुझे नहीं पता था मैं यहाँ आ गया। और इसी दौरान उसकी सारथी जैसी लगती है अदिति, कि हर बार वो बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली उसको ये चीज़ समझाती है कि जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से अपने आप में एक नया एक्सपेरिमेंट था हिंदी सिनेमा में, या है कि नायक को नायिका नैतिक रूप से साहस दे रही है, या एक कर्तव्य बोध का लगातार एक निरंतर उसको इस बात का स्मरण करा रही है कि देखिए आपकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए। या जैसे आपने एक बड़ा छोटा सा एक संवाद पर असरदार के कोई हीरो आके करेगा और तुम हीरो का इंतज़ार क्यों कर रहे हो, ऐसा ऐसी कोई बात जब वो कहते हैं,
हाँ वो बोलता है कि तुम्हें हीरो चाहिए अदिति, तो वो बोलती है हीरो नहीं चाहिए आयान, ऐसे लोग चाहिए जो हीरो का वेट ना करें। तो ये जो अदिति का किरदार है, ये कभी आपके जहन में नहीं आया इसको स्विच किया जाए, वहाँ लड़का हो या लड़की हो या ऐसा कुछ? या नहीं, ये तो इरादतन ही था, क्योंकि हिंदी फिल्मों में ऐसे किरदार कम होते हैं महिलाओं के जो दिशा दें अपने पुरुष साथी को। और हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि फिल्मों में, ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता लेकिन फिल्मों में ऐसा होता है कि लड़की जल्दी कमज़ोर पड़ जाती है, लड़की जल्दी डर जाती है, उसको संभल देता है उसका पार्टनर। लेकिन मैंने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रांग औरतें देखी हैं, मुझे खुद को बहुत स्ट्रांग औरतों ने संभल दिया है, तो मुझे लगता है कि उसका डिपिक्शन होना चाहिए सिनेमा में। इसी के लिए अदिति का किरदार ऐसा है जो जब अयान लड़खड़ाता है या भागने की कोशिश करता है तो वो उसको वहीं वो लड़ने का बोलती है और वो नाराज़ भी होती है उसके इस एटीट्यूड से। बिल्कुल नहीं, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मुझे ऐसा, जैसे आपने भी कहा कि लड़कियां या औरत कम संबल जो मर्द या पुरुष मून ज़्यादा देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, आप लोग भी बीच में हमसे बात कर सकते हैं, कि मतलब मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी में जब जब कोई लड़का या मर्द गिरा है, लड़खड़ाया है, कमज़ोर हुआ है, तो किसी लड़की या किसी औरत का हाथ पकड़ के ही खड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। मैंने जब वो जब मैं लगातार देख रहा था, और जो आपका ट्रीटमेंट था, दरअसल सबसे काबिले तारीफ जो दूसरी सतह थी फिल्म में वो बहुत अमेजिंग थी। जैसे निषाद, एक ऐसा किरदार, इतना मजबूत आदमी जिसके बारे में कहाँ मिलेगा, एक ऐसा कि दिखता नहीं, मिलता नहीं, है ही नहीं, बस निषाद, लेकिन निषाद है। आने से पहले दो मरतबा उसका नाम आ जाता है, बहुत पूरी फिल्म में उसका जिक्र रहता है, हाँ, लेकिन बंदा नहीं है। तो वो अपने आप में एक और असरदार एक फीलिंग होती है कि यार ये बंदा है क्या, ये कुछ करेगा बाद में। बिल्कुल, लेकिन जब आप उसको, जब फिल्म में उसका किरदार खत्म हो रहा होता है, तो जब वो कमज़ोर होता है, जब वो कहता है कि उम्र भर मेरे पैरों के नीचे से नाला बहता रहा, मैं तुम्हारे साथ 5 मिनट किसी नदी में पैर डाल के नहीं बैठ पाया, या 5 मिनट तक मैं चांद नहीं देख पाया, तो मुझे वो वहाँ कमज़ोर लगा। और वो कमज़ोर होके भी वो अपने गौरा के गोद में सर रख के या उसके कंधों पे सर रख के रो रहा था। यहाँ पे मेरा सवाल डेफिनेटली ये तो है ही कि एक लड़की का नैतिक संबल उसके साथ वहाँ था, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगा कि उसका दलित बोध जता और एक हारा हुआ जो आदमी था वहाँ मुझे वो नज़र आया, जबकि पूरी फिल्म में नहीं था वो। तो ये क्या वजह थी इसकी कि उस इतने मजबूत किरदार को आपने यहाँ लाके ख़त्म किया, कि वो कमज़ोर महसूस हुआ जाते जाते? कमज़ोर कहना गलत होगा, उसका एक अलग गुस्सा था, थकान भी थी जो ऐसे सब लोगों में होती है, और हम उस साइड को एक्सप्लोर करना चाहते थे। जब हम किसी भगत सिंह की बात करते हैं, किसी भी बड़े सोशल एक्टिविस्ट की, क्रांतिकारी की बात करते हैं, तो जो उसका बाहर चेहरा दिखता है हमें, बहुत स्ट्रांग, हमेशा उसके पीछे लोग खड़े होते हैं जो उससे उम्मीद बांधे होते हैं, पर वो एक बहुत बड़ी ताकत से लड़ रहा होता है, या तो समाज से लड़ रहा होता है या सिस्टम से लड़ रहा होता है। तो उसकी जो थकान थी, जो उसकी हताशा थी, वो हम आखिरी हिस्से में एक्सप्लोर करना चाहते थे। और रियल लाइफ में कितना होता है कि कुछ लोग सुर्खियों में आते हैं, कुछ लोग लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन कभी उन पे, जो हमने फिल्म में भी दिखाया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाता है, देश की सुरक्षा के लिए उनको खतरा बता दिया जाता है जो देश के भले के लिए लड़ रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ थी, और जिससे इमोशनली जब ऐसे लोग जिन चीज़ों से गुजरते हैं, उस साइड को हम एक्सप्लोर करना चाह रहे थे। और हम में से ज़्यादातर लोगों को एक टाइम के बाद कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता वो किन हालात में जेल में रह रहे हैं, उनके परिवार का क्या हो रहा है, उनकी लड़ाई का क्या हो रहा है, उन पर किस तरह के जुल्म अत्याचार हो रहे हैं। हम सब अपनी अपनी सुरक्षित दुनिया में किसी नई कहानी की तरफ बढ़ जाते हैं, नई न्यूज़ की तरफ बढ़ जाते हैं, नई सेंसेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो वो जो, और वो जाते जाते भी मैसेज दे के जाता है कि और बहुत आएंगे। तो ऐसे लोग आते रहते हैं, और कभी हम मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि हम सब सामूहिक रूप से ज़िम्मेदार हैं उनके साथ जो होता है, सिर्फ सिस्टम ज़िम्मेदार नहीं है। हमारी संवेदनहीनता, हमारी ये जो
आगे बढ़ जाने की फितरत है, भूल जाने की आदत है, और कभी कभी हम पीछे हट जाते हैं, उतना साहस नहीं जुटा पाते उन लोगों के साथ खड़े होने का। तो मुझे लगता है ये हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है जो निषाद के साथ। मुझे आपकी बात सुन के अभी बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है जब मैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जूठन पढ़ रहा था और आत्मग्लानी से भरा हुआ था कि हम कहीं ना कहीं अपराधी हैं इस बात को लेके। एक संवाद बहुत छोटा सा जो मुझे लगता है कि सभी ने नोटिस किया होगा कि जब वो पिता कहता है कि कुछ दिन और रख लेते मारते तो नहीं, एक पिता जिसकी दो बच्चियां जो 3 दिन तक जिन पे लगातार सामूहिक बलात्कार होते रहा और उसके बाद वो पिता देखिए किस व्यवस्था में और किस किस्म से जिंदा है और किस किस्म से आपने कहलवा दिया वो। हाँ, वो बोलता है कि रात भर रख के छोड़ देते तो भी ठीक था, तो भी ठीक था। ये कई बार आपको ये नहीं लगा बीच में कि बहुत सारी जैसे अमूमन लोगों ने कहा कि जो आप मेरे ख्याल से जो बदायूं का किस्सा था वहाँ से वो ज़मीन थी, लेकिन बहुत सारी घटनाएं जो अलग अलग जगह हो रही थी और वहाँ से लेके आपने वो सारी बातें कही कि मतलब हर एक घटना हर एक सीन जो था वो एक बहुत बड़े हादसे की गवाही था। जब आपने ये कहलवाया उस पिता से तो वाकई कलम लिख रही थी ये या जो एक अंदर मतलब मेरा ये मानना है कि जो लेखक जब आप फिल्म लिख रहे होते हैं और आप एक स्ट्रक्चर एक क्राफ्ट पे काम कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली एक व्यावसायिकता वहाँ साथ में रहती है, लेकिन आपके अंदर एक और आदमी होता है जो बराबर कहीं ना कहीं विद्रोह करता है, जो उसको जी रहा होता है, जो उसको महसूस कर रहा होता है। और ये असल में एक पिता ने कहा था, दरअसल ये लाइन हमने वहीं से ली है। मेरे ख्याल से बदायूं के रेप इंसिडेंट के बारे में ही था जहाँ तक मुझे याद है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। पर गांवों में दरअसल जो दलित महिला है ना, वो समाज के ऐसे पायदान पे खड़ी है कि हर कोई उस पे जुल्म कर रहा है, उस पे सवर्ण पुरुष भी जुल्म कर रहे हैं, उस पे दलित पुरुष भी जुल्म कर रहे हैं। और जितने रेप केसेस हमको वो रेप केसेस सुनने को मिलते हैं या जिनमें जला दिया जाता है, जिनमें पेड़ पे लटका दिया जाता है, पर उससे 50 गुना रेप रोज हो रहे होते हैं। उनमें से ज़्यादातर की रिपोर्ट दर्ज करने से पुलिस मना कर देती है। उनमें से बहुत सारे तो पुलिस थाने तक पहुँचते ही नहीं कि लड़की डर से कि मुझे मार देंगे, मेरे परिवार वालों को नुकसान पहुँचाएंगे, वो किसी को बताती नहीं है। बताती है तो कई बार पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, कई बार पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है तो आगे कुछ नहीं होता, क्योंकि जो अपराधी हैं वो शक्तिशाली हैं। तो उस पिता का जिसने ये बोला था, उसका दर्द ये था कि मेरी बेटी को मार क्यों दिया, मतलब मैं वो जिंदा तो रहती ना कम से कम, जो भी हुआ। तो इसके अंदर इतना ज्यादा दुख है इस लाइन के अंदर। दरअसल कि आप देखिए, मैं आपको रोक रहा हूँ गौरव साहब, कि आज हमारी व्यवस्था वहां पहुंच गई है, आज हमारा माइंडसेट वहां पहुंच गया कि एक पिता ये कह रहा है कि ठीक है जो कर दिया जलाते मारते टांगते तो नहीं, और वो बहुत दुख के साथ कह रहा है, मतलब वो आधा मर चुका है उस लाइन को कहते हुए दरअसल। पर व्यवस्था ने उसे इस जगह लाके खड़ा कर दिया है, मतलब 70 साल हो गए आज़ादी को, अगर हम न्याय नहीं दे पा रहे हैं इतने सारे लोगों को इस तरह के मामलों में या इस तरह की गैर बराबरी है तो बहुत ज़्यादा फिक्र का विषय है। एक निषाद जो बात करता है जब वो कहते हैं कि ये लोग तो उस किताब की भी नहीं मानते जिसकी कसम खा के ये लोग आए हुए हैं, और जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में ये देखते हैं, आज का जो वक्त है, हर एक किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए कि जब हम संविधान की बात करते हैं, उनके हकों की, अपने उत्तरदायित्वों और अपने कर्तव्यों की बात करते हैं, और उसी से आपने कहलवाया उसके बाद कि जब वो कहता है कि यार इसी की
इसी किताब के से इसी किताब से तो चलेगा देश, चलेगा यही देश। तो कह के गए थे बाबा साहब। बाबा तो कहता है बाबा साहब ये भी कह के गए थे कि अगर इस किताब का किसी ने दुरुपयोग किया, मिसयूज किया, तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो इसको जलाऊंगा। ये बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था ये मेरे ख्याल से उन्होंने संसद में ही कहा था कि ये किताब बहुत मतलब शायद सबसे पवित्र किताब ही है हमारे देश की, लेकिन ये लाइन उन्होंने बोली थी कि अगर इसका मिसयूज हुआ तो मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा उसे जलाने वाला। ये संसद में उन्होंने कहा था। एक और बात वहाँ पे ये थी कि रैली के संदर्भ में कि ये जो लोग होते हैं, ये लोग दरअसल रैली के पीछे, नारों के पीछे खड़े रहते हैं, इनका ताल्लुक नहीं होता। हाँ, तो ये तो पूरी कहानी कभी समझ में ही नहीं आती उनको। बहुत हद तक ब्रेन वॉश किया जाता है, चीज़ों को इस तरह से सिंप्लीफाई करके बताया जाता है कि वो उल्टा मीन करने लगती हैं जो वे हैं दरअसल। तो आप किसी आदमी को ऐसी किसी रैली में भी खड़ा कर सकते हो जिसमें वो ऐसी मांग कर रहा है जो उसके खिलाफ ही जाती हैं। हाँ, दरअसल यही वजह है कि लोग कहते हैं भीड़ का दिमाग और चेहरा नहीं होता, वो बस भीड़ होती है। एक बात मैं अब और शायद संविधान या लोकतंत्र की कोशिश यही है कि भीड़ को इंसान में कैसे बदला जाए। समय समय पर ऐसी ताकतें आती रही हैं, आती रहेंगी, जो इंसानों को भीड़ में बदलती रहेंगी। हमें बार बार भीड़ को रोक के वापस इंसान बनाना पड़ेगा। एक बहुत अच्छे दो मिसरे मेरे जहन में आए, मैं भीड़ से कि बेजवान वक्त की नज़ीर बन गया है। यार तू आदमी था पहले, क्यों भीड़ बन गया है। गौरव साहब, मैं थोड़ा सा क्राफ्ट की तरफ, सब लोग अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो हरिशंकर परसाई का एक निबंध है आवारा भीड़ के खतरे। हाँ, वो जरूर पढ़िएगा। आवारा भीड़ के क्या क्या खतरे होते हैं उसमें बड़ी बखूबी लिखा है उन्होंने। चलिए साहब, मैं फिल्म के क्राफ्ट की तरफ आता हूँ, आपकी स्क्रीन प्ले के क्राफ्ट की तरफ। जब दो राइटर्स लिखते हैं, एक ऐसा राइटर जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो एक मुद्दत से काम कर रहे हैं, और एक नया बंदा जो रुड़की से सफ़र पर निकला था और अब मुंबई में है और सारे किस्म के सांचों से टूट के लड़के झगड़ के वहाँ तक पहुँचा। दो राइटर्स ऐसे सब्जेक्ट को लिख रहे हैं तो आसानी भी बहुत रही होगी, यकीन मानिए मुझे लगता है, और तकलीफ़ें भी अपनी किस्म की रही होंगी, मुश्किलात भी अपनी किस्म के रहे होंगे। मुश्किलात उतने नहीं रहे मेरे ख्याल से। और दरअसल जो बात हम कहना चाहते थे, जिस चीज़ को टच करना चाहते थे, जितना गुस्सा हमारे अंदर था, जो गुस्सा हम लोगों तक पहुँचाना चाहते थे, वो सिमिलर था, इरादे सिमिलर थे। और हम अलग अलग दुनियाओं से आए हुए लोग हैं, अलग अलग तरह की ज़िंदगी देखी है, उम्र में बहुत फ़र्क है, तो हमने उसको यूज़ करने की ही कोशिश की अपनी अपनी तरह से। और एक दूसरे की अच्छी अच्छी चीज़ों को रखने की और उन्हीं को यूज़ करके एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश की। और अनुभव की अच्छी बात ये थी कि मुझे अपनी आवाज़ कहने का अपने तरीके से करने में उनको खुशी होती थी कि मतलब ऐसा कभी ईगो पे नहीं आया, कभी किसी और चीज़ पे नहीं आया कि मैं इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो बहुत बराबरी से हमने लिखा, बहुत बराबरी से इंटेंस आर्ग्यूमेंट भी हुए। किसी किसी सीन पे हमारा कई कई दिन तक आर्ग्यूमेंट चला। एक दो सीन ऐसे थे जिन पर हम कई हफ्तों तक अग्री नहीं कर पाए, वो अलग कुछ सोच रहे थे। मैं तो जो जिसको समझा देता था उसके हिसाब से जो स्क्रिप्ट बढ़ जाती है। समझा देता था उसके हिसाब से। ज़्यादा किसने किसको समझाया? आपने ज़्यादा समझाया, अनुभव साहब ने आपको ज़्यादा समझाया? अब ये तो गिनती होती नहीं है। जो व्यावसायिक लेखन है या जो फिल्म की राइटिंग है और एक जो आपकी हमारी राइटिंग है, दोनों में जो बुनियादी अंतर है वो कैसे पाटते हैं आप? दोबारा पूछें। एक कहानी आपने लिखी, उस कहानी को आप स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, फिल्म लिख रहे हैं, तो अब वो राइटिंग, वो जो फासला है दोनों का, बहुत बड़ा फासला है दरअसल। और मैं क्योंकि दोनों, मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखता रहा हूँ, फिर स्क्रीन प्ले लिखने लगा,
तो सबसे पहले मैंने अपनी कहानियों को स्क्रीन प्ले में अडेप्ट करने की कोशिश की, तो मैंने अपनी दो कहानियों को अडेप्ट किया स्क्रीन प्ले में, और उसको करते हुए मुझे महसूस हुआ कि नया स्क्रीन प्ले लिखना कहीं ज़्यादा आसान है किसी लिटरेचर को अडेप्ट करने के बजाय, क्योंकि एक कहानी में या एक नॉवल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ख्याल होते हैं, जिनमें भाषा का जादू भी होता है, जो किरदारों के ख्याल होते हैं, और लेखक अपनी बात भी सुनाता जाता है। ये सब जो हथियार हैं ये स्क्रीन प्ले में आपके पास ना के बराबर बचते ही नहीं। स्क्रीन प्ले में एक्शन होते हैं, स्क्रीन प्ले में डायलॉग होते हैं, और उसके बीच बहुत सारा अनकहा होता है। आप एक सीन से दूसरे सीन में किस पॉइंट पे ट्रांजिशन करते हैं, कौन सा साइलेंस पे आप ज़्यादा देर रुकते हैं, किसके चेहरे पे आप रुकते हैं, वो सब कहानी को आगे बढ़ाता जाता है। कितना आप बताते हैं, किस समय कितना बताते हैं, और लेकिन आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ या जो इमोशंस मैं कन्वे कर रहा हूँ, उनसे एक जाल बनता जा रहा है ऑडियंस के ऊपर, एक एक करके कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी मैथमेटिकल प्रोसेस भी है उनको जानना, और उस सब से एक आप दुनिया क्रिएट करने की कोशिश करते हो रियल लाइफ के जितना करीब हो। रियल जैसे हम और आप पहली बार मिलेंगे तो कुछ अलग तरह की बात करेंगे, फिर कुछ अलग तरह की। हो सकता है कि हमारी कहानी में कोई चीज़ पहली बार में रिवील हो और कोई चीज़ आखिरी बार में रिवील हो, और उन सब से एक धारा बनती है कहानी की, एक आर्क बनता है। तो वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्क्रीन प्ले का। मुझे लगता है कि लिटरेचर के हथियार अलग हैं, भाषा है बहुत बड़ा हथियार, और फिल्म में तो आप किरदारों की भाषा में ही बोलेंगे, किसी किरदार की कैसी भाषा होगी, किसी किरदार की। तो ये ज़्यादा साइंटिफिक है, उसका एक डेफिनेट क्राफ्ट है और आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। मुझे नहीं पता कि डेफिनेट क्राफ्ट है या नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रीन प्ले की किताबें नहीं पढ़ी हैं, और क्राफ्ट की तरह मैंने सीखा भी नहीं है इसे। मैंने थोड़ा इंट्यूटिव तरीके से सीखा है, मैंने फिल्में देखी हैं, और मेरी जो कहानी लिखने की प्रैक्टिस है वो ज़रूर काम आई है स्क्रीन प्ले लिखने में। तो मैंने अपना एक तरीका डेवलप करने की कोशिश की है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप नियमों से चलते हैं ना, तो वो आपकी एक जो ओरिजिनलिटी है ना उसको ख़त्म कर सकता है, एक स्वाभाविकता मरती है। बिल्कुल सही बात। आप एक कहीं ना कहीं, आप मान लो आपने एक सिटफील्ड की किताब पढ़ी, आपने किसी और की किताब पढ़ी, तो हर एक ने अपने एक तरीके बताए हैं, अपनी चीज़ें टूल्स बताए हैं स्क्रीन पे लिखने के। तो आप उन फॉर्मूला में फंस सकते हैं एक टाइम के बाद, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत शुरू में बहुत ज़्यादा स्क्रीन प्ले की किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। लिखते लिखते जब आपके मन में सवाल आए, तब उन सवालों के लिए आप किसी किताब की शरण में जा सकते हैं। ये गौरव साहब का मशवरा है हमारे सभी राइटर्स के लिए कि बहुत ज़्यादा किताबें पहले जवाब मत ढूंढिए, किसी को जवाब बताने मत दीजिए। हो सकता है कि जो सवाल आए उसका कोई ओरिजिनल जवाब हो आपके पास, आपके पास सीन्स लिखने का कोई ऐसा तरीका हो जो उन किताबों में ना लिखा हो, क्योंकि उन किताबों के हिसाब से ही लोग लिखते रहेंगे तो नई टेक्निक, नया स्ट्रक्चर कैसे आएगा। तो ओरिजिनल होने की कोशिश कीजिए। मेरा सिर्फ एक उसूल रहा है स्क्रीन प्ले राइटिंग में कि एंगेजिंग हो, मतलब बांधे रखे स्क्रीन प्ले आपको, उसके अलावा और ट्रू रह सकूं मैं किरदारों के साथ, और उनकी जर्नी फॉलो करूं एक एंगेजिंग तरीके से। और मुझे, मैं मतलब मेरे दिमाग में मैं बतौर ऑडियंस भी पढ़ता रहता हूं लिखते लिखते, तो मुझे मज़ा आना चाहिए सीन लिखते लिखते। जिस पॉइंट पे मुझे लगा कि ये लास्ट डायलॉग होना चाहिए, इसके बाद ये सीन नहीं चलना चाहिए, तो मैं वहाँ कट टू करके अगला सीन लिख देता हूँ। क्या बात है, मतलब दिल काम करता है लिखते समय बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है आपको अपने इंस्टिंक्ट को पहचानना, उसको नर्चर करना बहुत ज़रूरी है। और दुनिया क्या करती है, ये किसी भी फील्ड में है, आपका इंस्टिंक्ट को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है लगातार, आपको किसी एक ढर्रे में ढालने की, किसी सांचे में फिट करने की कोशिश की जाती है कि आप ये हैं या ये हैं या ये हैं या ये हैं, जबकि मुझे लगता है हर इंसान या हर आर्टिस्ट यूनिक है और उसको अपने आप को खोजना चाहिए। बहुत बढ़िया। मुझे जावेद अख्तर साहब की एक बात याद आ गई कि
जैसा अभी आपके आपका जब तारुफ हो रहा था और उन्होंने कहा कि पांच चीज़ों से आपको सख्त एतराज़ है, तो हम जिस फील्ड में हैं वहाँ पे हमारे पास, मतलब डॉक्टर के पास मरीज आके कहता कि मुझे ये वाली गोली चाहिए कि आपके राइट कि वो आपके पास आता कि भैया मैं बीमार हूँ और मुझे ये वाली दवाई चाहिए, तो राइटर को एक एक सांचा दे दिया जाता है, एक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, चार शर्तें डेफिनेट होती हैं और कहते हैं यार कम बजट की फिल्म है, तो राइटर को पहले ये मतलब पहला सेंटेंस ही कह दिया भाई पैसा ज़्यादा नहीं है यार पर लिखो फिल्म आ रही है और एक फिल्म के बाद फिर तुम देखना कैसे काम मिलता है। तो ये लोग ऐसी बातें करते हैं ना कि हम एक्सपोजर दे रहे हैं आपको, हम मौका दे रहे हैं, इसके बाद देखना अपन बहुत सारा काम करेंगे। साहब मुझे एक ऐसा बंदा मिला मुंबई में जिसने कहा कि एक कश्मीर पे बेस्ड एक वेब सीरीज लिखनी थी, मैंने कहा ठीक है, मैं बहुत उत्साहित, मैंने चार पांच दिन में दिन रात करके एक दो एपिसोड लिख के गया, कहा चलो कॉन्टेक्ट करते हैं, लेकिन दो एक शर्त यह है कि या तुम्हारे नाम से आएगी या तुम्हें पैसा मिलेगा। मैं क्या बात है, बहुत मुश्किल चुनाव रहा होगा। अरे नहीं, मैं सलाम करके आ गया, मैंने कहा साहब पांच साल बाद बनाएंगे, हमारी बीमारी भी तो हम ही है ना दरअसल। नहीं खुददारी बहुत बड़ी बीमारी है साहब। मुझे नहीं मुझे भी तरह तरह के लोग मिले हैं। मुझे एक बार एक प्रोड्यूसर मिला कुछ साल पहले, तो उसने कहा मुझे तुम्हारे साथ काम करना है, लिखवानी है ये वो, बड़ा प्रोड्यूसर, और मेरे पास एक कहानी है। तो मैं मिला जब उनसे, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कहानी है, किसी रेप इंसिडेंट के अराउंड कुछ कहानी थी, और वो रेप इंसिडेंट भी रियल लाइफ एक इंसिडेंट था, उन्होंने कुछ उसमें सोचा नहीं था, वो एक न्यूज़ पीस था। तो उन्होंने कहा ये मैंने कहा मेरे पास कहानी है और मैं कई सालों से इस पे सोच रहा हूँ। और मतलब वो ये कहते हैं कि वो जो पेपर का पीस उनको दिया होगा कि प्लॉट मेरा है। नहीं, उन्होंने कहा कि तुमसे मैं लिखवाना चाहता हूँ पर जो स्क्रीन प्ले डायलॉग स्टोरी का क्रेडिट मेरा ही रहेगा। तो मैंने कहा इतनी मेहरबानी है सर, इतना अच्छी बात आप कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्योंकि मैं कई सालों से सोच रहा हूँ। तो मैंने कहा आपने कितना लिखा है अभी तक? बोला नहीं, दिमाग में पूरी स्क्रिप्ट है। तो अपन कुछ दिन साथ बैठेंगे, मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे दिमाग में क्या है, और फिर तुम लिखना अपने हिसाब से, तुम्हें फ्रीडम है लिखने की पर क्रेडिट मेरा ही रहेगा और पैसा थोड़ा कम है। मैं पैसा पूरा फिल्म में लगाना चाहता हूँ, पर बाद में कमाएंगे यार, पहले फिल्म बनाते हैं। पहले फिल्म और आलिया भट्ट इंटरेस्टेड है बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो बिल्कुल, मतलब तुम लिख के ले आओ एक बार बस। तो मैंने फिर हाथ जोड़ लिए कि आप सीधे ही आलिया भट्ट से बात कर लीजिए, कोई भी मिल जाएगा आपको लिखने वाला क्या बात है गौरव साहब, कुछ आपका लिखा हुआ आपकी जवानी, कोई कविताएं सुना दीजिए, कविताएं सुनना चाहेंगे गौरव साहब की? वो कह रहे हैं कि इतनी छोटी ताली तो कैसी बजा दो यार कि उनको लगे कि सुनाइए साहब। दो छोटी छोटी कविताएं सुनाता हूं मैं। तुम ऐसी हो जैसे धुंध में सूरज दिखता है, तुम ऐसी हो जैसे धुंध में सूरज दिखता है, जैसे किसी प्रतिबंधित कवि को किताबें दिखती हैं, कागज दिखता है। तुम मुझे कहो कि हंसी एक धर्म है नया, तो मैं कहूंगा कि तुम पैगंबर हो इसकी। वाह, तुम मुझे कहो कि हंसी एक धर्म है नया, तो मैं कहूंगा कि तुम पैगंबर हो इसकी। और अगर दुनिया के तमाम दुखों के लिए परेशान होना ही तुम्हारा ईमान हो, तो मैं मुसाफिरों को बचाने लगूंगा तूफानों से। बहुत cool। और अगर दुनिया के तमाम दुखों के लिए परेशान होना ही तुम्हारा ईमान हो, तो मैं मुसाफिरों को बचाने लगूंगा तूफानों से। तुम मुझे दिशा बता दो, मैं चल पड़ूंगा। तुम मुझे दिशा बता दो, मैं चल पड़ूंगा। या कहो कि यहीं इसी उजाड़ तंबू में रहना है उम्र भर, तो बिस्तर बिछाने लगूंगा।
अग्नि और आकाश में से किसी एक को चुनना हो तो दोनों को छोड़कर मैं तुम्हें चुनूंगा। अग्नि और आकाश में से किसी एक को चुनना हो तो दोनों को छोड़कर मैं तुम्हें चुनूंगा, और हजार बार भी भटकूं तो सारी दुनिया का चक्कर काटकर तुम्हारी दहलीज पर लौटूंगा। तुम कहोगी तो फकीर बनकर, तुम कहोगी तो शिकारी की तरह। एक और छोटी सी कविता। मेरी माँ को लगता है कि उसका घर तोड़ दिया जाएगा, उसे सड़क पर मरता हुआ छोड़ दिया जाएगा। मेरी माँ को लगता है कि उसका घर तोड़ दिया जाएगा, उसे सड़क पर मरता हुआ छोड़ दिया जाएगा। जो भी मेरे वक्त में हो रहा है मेरे आसपास, अगर मैंने उसकी कविताएं पढ़ी तो मेरा नाम गद्दारों में जोड़ दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। मेरी फोटो छपेगी कल अखबार में, वांटेड वाले इश्तिहार में। मैं कल जब अपनी प्रेमिका को चूम रहा था अपने घर में, उसका वीडियो बेचा जाएगा 5-5 रुपए में बीच बाजार में। और फिर वे कहेंगे कि दरअसल हमें तो शुरू से यकीन था, तुम जिसे शायर कहते थे वो चरित्रहीन था। खतरे हजार हैं मेरे पास, मिनट 2-4 हैं। ऊंचा है किला, पर अगर आप साथ देंगे तो थोड़ा जल्दी चढ़ूंगा। ऊंचा है किला, पर अगर आप साथ देंगे तो थोड़ा जल्दी चढ़ूंगा। एक आदत सी है कि जितना रोका जाएगा उतना और अड़ूंगा। बहुत बढ़िया। मैं अपने वक्त की कविताएं पढ़ूंगा। बहुत बढ़िया। किसी को मार के वे सारे जयकारे लगाते हैं, किसी को मार के वे सारे जयकारे लगाते हैं, कभी अल्लाह अकबर के कभी श्री राम के घर के। किसी को मार के वे सारे जयकारे लगाते हैं, हमें आदत सी होती जा रही है इन बवालों की। ये कड़ी है सैकड़ों मुश्किल सवालों की, जिसका आखिरी सवाल है कि एक भूखा बच्चा कितनी देर तक राष्ट्रगान गा सकता है। बहुत। कि एक भूखा बच्चा कितनी देर तक राष्ट्रगान गा सकता है। खतरे हजार हैं मेरे पास, मिनट 2-4 हैं। ऊंचा है किला, पर अगर आप साथ देंगे तो थोड़ा जल्दी चढ़ूंगा। एक आदत सी है कि जितना रोका जाएगा उतना और अड़ूंगा। जो मेरे भाइयों और बहनों ने खेतों में, स्कूलों में, मिलों में, युद्ध में बहाया है, मैं उस रक्त की कविताएं पढ़ूंगा। बहुत बढ़िया। जो मेरे भाइयों और बहनों ने खेतों में, स्कूलों में, मिलों में, सड़क पर और युद्ध में बहाया है, मैं उस रक्त की कविताएं पढ़ूंगा। और जिस जिसने भी उन्हें लूटा है और छला है, हर उस कमबख्त की कविताएं पढ़ूंगा। मैं अपने वक्त की कविताएं पढ़। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। ये दरअसल वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, नहीं तो और बहुत सारी बातें करनी थी आपसे। आखिरी 2 मिनट अगर कोई सवाल सामने से। जी, इन्होंने शूट पे भी लिखा है। हाँ, हमारी तो शूट के बाद भी प्रक्रिया चलती रही थी। तो मैं ये जानने में दिलचस्पी रखता था कि कई बार आपको ऐसा लगा कि
things which were carried from the first draft to the second. और कई बार आपको लगा कि वो चीजें अमूमन अपने आप में अच्छी थी, but वो शायद इस फिल्म में, इस कंटेक्स्ट में शायद वो किसी और वक्त का किस्सा होता तो आपको उसको जरूरी नहीं था कि वो बेकार था या you know it was just out of place. पहला तो ये, और दूसरा प्रश्न ये कि regarding the film, इसमें जो आयुष्मान का कैरेक्टर है, एक्चुअली ये दूसरा सवाल है, पहले से ही निकला है कि क्या ऐसा था कि ही हैड अ बैक स्टोरी और समथिंग, कि मतलब जहाँ पर, क्योंकि हम देखते हैं कि उसको कि आइडियली फिल्म में बैक स्टोरी इतनी ज़्यादा दिखानी नहीं चाहिए, मतलब फ्लैशबैक पे राइटर को कम से कम निर्भर करना चाहिए. हाँ, मुझे फ्लैशबैक्स में बहुत अवॉइड करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ एक भी फ्लैशबैक ना हो. एक्चुअली हॉवर्ड हॉक्स ने कहा भी था कि आई एम वेरी प्राउड दैट देयर आर नो फ्लैशबैक्स, एक्सप्लेनेटिव फ्लैशबैक्स इन माय फिल्म. मैं कोशिश वही करता हूँ जी. तो पर क्या इसमें कहीं ऐसा कुछ था कि आयुष्मान का कैरेक्टर जो जैसे बैक स्टोरी थी प्रॉब्लम दे निशा उनकी कोई लव एंगल था जिसमें से, क्योंकि जब हम देखते हैं उनको कि वो टेलीफोन पे जो बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट है कहीं से. बैक स्टोरी थी डेफिनेटली जो हमारे दिमाग में थी कि ये लोग कॉलेज के टाइम से रिलेशनशिप में थे और पढ़ाई वढ़ाई में अच्छा था आयान, पर सोशली अवेयर नहीं था ज़्यादा ईशा जिन्होंने अदिति का कैरेक्टर प्ले किया है, तो वो ज़्यादा एक्टिव थी सोशली या ज़्यादा कंसर्न थी अपने घर में जो हो रहा है, समाज में हो रहा है, और ये भी एक कारण था उनकी रिलेशनशिप में कांस्टेंट फ्रिक्शन आते रहने का. तो किसी एक शुरू के ड्राफ्ट में तो शायद वो लोग शादीशुदा भी थे और ऑलमोस्ट उनका रिश्ता टूटने वाला था, बैक स्टोरी ये थी. फिर लेकिन उसका एक हिस्सा बचा अभी, वो हमने शादीशुदा तो नहीं उनको दिखाया अभी, वो क्लैरिटी नहीं है अभी कि क्या पति पत्नी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, हमने कोई कमेंट नहीं किया उस पर. और इवॉल्व होते होते ये क्या होता है, आप हर ड्राफ्ट में जब आगे बढ़ते हैं तो आपको लगने लगता है कि जो आप कभी कभी दो सीन में बात कह रहे थे वो दो डायलॉग में भी कही जा सकती है, तो वो कंप्रेस होती जाती है. तो कोशिश ये थी कि हो सकता है हमने 100 सीन लिखे और फिल्म में 70 ही सीन बचे, लेकिन जो बाकी 30 सीन में या 20 सीन में भी कुछ होगा वो इन सीन्स की सेकेंड और थर्ड लेयर बना सके ताकि रियल लाइफ के ज्यादा करीब लगे. हाँ जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द सिटी ऑफ लेक्स एंड थैंक यू. क्वेश्चन ये था दैट आई एम आल्सो फिल्म मेकर, सो लास्ट टाइम अनुभव सिन्हा वाज आल्सो हियर एंड इन जेफलिफ एंड आई हैव आस्क्ड हिम कि दैट व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट आर स्टिल मिसिंग फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग. You know, this cinematic term and storytelling is a very broad conversation to talk on. So I just wanted to know that as Anubhav Sinha was from the last two films, उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं वो totally commercial looks from the जो high superstars ऐसे उनके साथ काम किया हमारे. And the last two films, Mulk and Article 15 were totally different from other Bollywood and the visual language जो उनका था. And as you said कि हम चाहते थे कि स्क्रिप्ट में छोटे छोटे ऐसे एलिमेंट्स रखे जो एंगेज रखते रहे. And in Article 15, I was like, I hope everyone was shocked है. एक सीन से where that जो एक इंसान जो गटर से सीवेज से बाहर आ गया, that scene was goosebumps. And वो I just wanted to know कि अनुभव सिन्हा सर और आपने इस पे कितना सोचा, बिकॉज सेंसर बोर्ड ऑब्वियसली कम्स फर्स्ट एंड दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी. तो हमने कोई अपने ऊपर सेंसर बोर्ड नहीं लगाया था. कई बार आप लगा लेते हैं कि यार ये पास होगा या नहीं होगा, तो हमने सोचा था कि जो मन में आए वो करते हैं. हमने पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल पे भी एक सीन लिखा फिल्म के एंड में जो आता है. हमने शायद मेन स्ट्रीम सिनेमा में किसी ने जातियों का नाम इस तरह से नहीं लिया, आप नाम नहीं लेते हैं जातियों का. डेफिनेटली ये पहली फिल्म है मुझे जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जहाँ सीधा चुनाव चिन्ह. हाँ, तो हमने लगा कि चुनाव चिन्हों का नाम, जातियों का नाम, तो जो हमको लगा कि रियल में होता है वैसा, वैसी भाषा, वैसी बातचीत करने की कोशिश की. सिर्फ एक चीज़ हमने नहीं की जो रियल में होती है, गालियाँ. अगर वही कहानी रियल में होती, पुलिस वालों की कहानी होती, तो उनकी ज़बान में गालियाँ बहुत ज़्यादा होती. तो हमने कॉन्शियसली ये किया क्योंकि हम चाहते थे कि बच्चे भी ये फिल्म देखें, टीनेजर्स ये फिल्म देखें, एडल्ट सर्टिफिकेट ना मिले. वो इतना
वो फर्स्ट हाफ में ये प्रॉब्लम कि नाले से पानी निकल रहा है, छोटी सी प्रॉब्लम, हमने एक सीट डाला, आपको लगता है ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको ठीक करवाओ. फिर आप जैसे जैसे कहानी में आगे बढ़ते हैं वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है. बाकी कहानी चल रही है, ये छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो रही है. तो वो दिन, वो लोग दो दिन भी अगर काम पे आना बंद कर दें जो सफाई करते हैं हम मोहल्ले की, घरों की, तो क्या हालत हो जाएगी? हम लोग कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि हम अपनी गंदगी भी अपने आप नहीं साफ कर सकते? वक्त बहुत कम है, एक आखिरी सवाल. सर, अभी हमारे पास हॉलीडे सीजन चल रहा है, बहुत फ्री टाइम है, आप कुछ किताबें रिकमेंड करना चाहेंगे जो लाइक मस्ट रीड है या आप रिकमेंड करेंगे? मुझे जो बहुत पसंद हैं किताबें, आप मार्केज का 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड पढ़ लें अगर आपने नहीं पढ़ा हो, और हाँ, रेमंड कावर की कहानियाँ पढ़ लें, एलिस मनरो की कहानियाँ पढ़ लें अगर नहीं पढ़ी हो, हिंदी में प्रियमवध को पढ़ लें, निर्मल वर्मा और उदय प्रकाश को पढ़ लें. हाँ जी, आखिरी सवाल. परेशानी हमेशा रहती है कि आई थिंक एक्शन इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज डायलॉग्स, बट मुझे ये दिक्कत हमेशा महसूस होती है कि जब तक मैं खुद बनाने वाला हूँ मुझे पता है कि मुझे क्या एक्शन चाहिए, मैं क्या लिख सकता हूँ. बट अगर मेरी स्क्रिप्ट किसी और डायरेक्टर के पास जाने वाली है तो वहाँ पे मुझे हमेशा ये एक रिस्क रहता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा लिख दूंगा और वो वैसी नहीं बन पाई तो भी मुझे बुरा लगेगा, और अगर मैं बहुत कम लिखता हूँ और उसको डायरेक्टर ने गलत इंटरप्रेट कर लिया तो भी मुझे बहुत बुरा लगेगा. व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? नहीं, वो हमेशा रहता है, मुझे भी ये दिक्कत रहती है, क्योंकि जब किसी और के हाथ में है आपका लिखा हुआ तो वो जैसे परसीव करता है. कई बार बहुत अच्छी चीज़ें भी ऐड हो सकती हैं, क्योंकि होना भी चाहिए, एक डायरेक्टर का अपना विज़न आता है. पर इसका एक ही तरीका है कि आपको अगर इतनी ज़्यादा परवाह है उस चीज़ की तो आप खुद डायरेक्ट करो एक पॉइंट के बाद, क्योंकि अदरवाइज तो दूसरा आदमी का विज़न आएगा ही. चलिए साहब, आप सभी का बहुत शुक्रिया. गौरव साहब, आप यहाँ आए, तहे दिल से आपका शुक्रिया. ये जगह ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे. इस पॉजिटिव नोट से बात खत्म करते हैं जो गौरव साहब ने भी बीच में कही थी. आर्टिकल 15 भी कहती है, आज का वक्त भी कहता है कि राम वाले या मुसलमान सभी अपने हैं. राम वाले या मुसलमान सभी अपने हैं, यार बात जरा सी मेरी मान, सभी अपने हैं.